हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, आज मक्का में लास्ट डे हमारा और निकल रहे हैं हम लोग जयपुर के लिए। तो सुबह 10:40 की फ्लाइट है और अभी यहाँ पर 4 बज रहे हैं यहाँ पे मक्का में, रात के 4 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं अभी जद्दा एयरपोर्ट के लिए। और सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी में बैग वगैरह सेट किए और अब जा रहे हैं हम एयरपोर्ट की तरफ। दिखाता हूँ मैं आपको, और सब लोग बैठे हुए हैं पीछे, देखो भाई सब। अस्सलाम वालेकुम। तो निकलते हैं अब एयरपोर्ट की तरफ। देख चुके हैं, देख सकते हैं हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये क्लॉक टावर जो दिख रहा है, अब हम लोग जा रहे हैं जयपुर की तरफ। तो ये मक्का शरीफ का लास्ट ब्लॉग होगा फिर इंशाल्लाह। नेक्स्ट बार जब आऊँगा, जब इंशाल्लाह मैं आपको और ज़्यादा करवाऊँगा। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, घर पे जाएंगे और सब पूरा ब्लॉग दिखाता हूँ मैं आपको, बने रहे मेरे साथ इसी ब्लॉग में। सो एयरपोर्ट आ चुका है और बस आने वाला है, पहुँचने वाला है हम लोग एयरपोर्ट, और दिखाता हूँ मैं आपको एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं और फिर उतरेंगे, फिर दिखाता हूँ आपको आगे का जो भी प्रोसेस होगा। सवाले को नींद आ रही है, सच्ची देख सकते हैं जो सामने दिख रहा है, ये जद्दा एयरपोर्ट है और देख सकते हैं आप। जद्दा एयरपोर्ट वही जहाँ पे जाना है टर्मिनल वन पे, तो यही जाना है हमें। तो आ चुके हैं हम लोग जद्दा एयरपोर्ट की तरफ और देख सकते हैं जद्दा एयरपोर्ट, जद्दा टर्मिनल वन है ये, जो कि अभी न्यू एयरपोर्ट बना है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देख सकते हैं आप। तो उतरते हैं, आप लगेज लेते हैं फिर जाते हैं अंदर। और ये बैग वगैरह सब आ चुका है, लगेज आ चुका है और ये एयरपोर्ट के पास हम उतर चुके हैं। हम एयरपोर्ट के अंदर और आपको जितनी भी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी जो सब दिखाता हूँ जद्दा एयरपोर्ट की, और अंदर से एयरपोर्ट दिखाता हूँ। तो चलते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं जमजम लेने के लिए। तो जमजम यहाँ से क्या है, एयरपोर्ट से लेना पड़ता है और जमजम का एक अलग से क्वार्टर बना हुआ है जहाँ पे जमजम मिल जाता है। दिख सकते हैं आप सामने जमजम वाटर लिखा हुआ है, तो वहाँ जाते हैं भाइयों और वहाँ से जमजम लेंगे, जो कि 12.5 रियाल का मिलेगा, जो है वो 12.5 रियाल का मिलता है। और दिखाता हूँ मैं आपको आगे जो हर तरफ जो भी जद्दा एयरपोर्ट, जितने भी 2-3 एयरपोर्ट बने हुए जद्दा पे, उन सब पर जमजम वाटर का आपको अलग से मिल जाएगा। दिखाता हूँ आपको, देखते हैं आप जमजम वाटर का। यहाँ पे आकर आप आपका पासपोर्ट दिखाकर जमजम ले सकते हैं। तो लेते हैं हम जमजम, हमने जमजम जो कि 75 रियाल का हमको 6 जमजम मिले, और यहाँ से अब जमजम उठाएंगे और फिर जाएंगे हम अंदर की तरफ। ठीक है, जमजम आ चुके हैं और लगकर और फिर निकलते हैं हम से पास। गाइस, आ चुके हैं हम लोग अंदर और ये ब्यूटीफुल सा जो एयरपोर्ट देख रहे हैं आप, ये है जद्दा एयरपोर्ट। और ये अजान हो रही है, अभी फजर की अजान हो रही है। तो अभी जाते हैं हम सीट ऊपर हमारी फ़्लाइट है, तो वहाँ से बोर्डिंग होगी, उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग फ्लाइट की तरफ, फिर इमिग्रेशन होगी। बोर्डिंग दिखाता हूँ, इमिग्रेशन दिखाता हूँ। सो गाइस, बोर्डिंग वगैरह मेरी सब हो चुकी थी और बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है, और मेरा क्या है उमरा मेरा बिज़नेस वीज़ा है और उन सबका उमरा वीज़ा था, तो अभी तक वो लोग सब लाइन में हैं। और मेरा बिज़नेस वीज़ा था तो मेरा बोर्डिंग वगैरह सब निमट चुका है, अब वो लोग खड़े हैं, उनका वेट कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। अब जैसे ही वो आएंगे तो फिर हम फ्लाइट का वेट करने के लिए जाएंगे वेटिंग रूम में। तो बने रहे मेरे साथ और दिखाता हूँ मैं आपको मेरा जयपुर तक का सफ़र। जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर आ चुके हैं हम लोग, मैं आ चुका हूँ क्योंकि उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं अकेले आ गया क्योंकि वहाँ पर बैठने नहीं दे रहे थे। अब वेटिंग रूम में जा रहा हूँ और जाकर फिर देखते हैं गेट नंबर कौन सा है, अभी तक गेट नंबर आया नहीं क्योंकि फ़्लाइट थोड़ी लेट, तो क्या मैं थोड़ा जल्दी आ गया। तो अभी देखते हैं आगे जाके, भाई ने किसी ने बताया कि आगे गेट नंबर हो सकता है आ गया हो, तो आगे जाकर देखो, तो देखते हैं क्या होता है। अब बहुत ही देर के बाद सब लोग आ गए थे, सब साथ में ही थे, अब थोड़ी देर बैठे हैं वेटिंग रूम में बैठे हैं, अब थोड़ी भूख लगी थी तो अब खाना खाते हैं और उसके बाद जब फ्लाइट आएगी तो फ्लाइट में बैठ के जाएंगे दिल्ली। हम लोग अलबेग ही बड़े जाचा, और हम लोग अलबेग वगैरह खा के ये सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग खाकर फिर फ्लाइट में बैठने का टाइम आ चुका है, 10 बज चुके हैं और फ्लाइट भी आ चुकी है और अनाउंसमेंट हो चुका है, अंदर जाएंगे और फ्लाइट में बैठेंगे। तो दिखाता हूँ मैं आपको, फ्लाइट दिखाता हूँ, देखें हमारी फ्लाइट। और अभी यहाँ से अंदर जाएंगे हम लोग, और जैसे कि लाइन लग रही है लेकिन हम लोग अभी खड़े हैं यहीं पर ही,
अभी जाएंगे यहाँ से अंदर और ये खड़ी हमारी फ्लाइट, फिर जाकर बैठेंगे। जा रहे हैं अब हम लोग फ्लाइट में और बॉडी वगैरह सब चेक हो चुका, अब सीधा फ्लाइट में बैठेंगे और फिर जाएंगे इंशाल्लाह दिल्ली। आ चुके हैं फ्लाइट वाली टनल में। ये हमारे दोस्त हमारा खड़े हुए कर रहे हैं इंतज़ार। अंदर फ्लाइट में होगी हमारी एंट्री, जाते हैं फ्लाइट में। बैठ चुके हैं तीनों दोस्त साथ में और बाकी लोग पीछे, और हम लोग बैठ चुके हैं। देख सकते हैं इनायत भाई सही है ना, अभी साथ बैठे सब, सब साथ में बैठे हैं और सबसे अच्छी चीज़ तो बने रहे हमारे साथ। इंशाल्लाह अब दिल्ली पहुँच कर ही दिखाऊंगा। अब इंशाल्लाह फ्लाइट चलने वाली थोड़ी देर के अंदर, और ये मेरे साथ मेरा दोस्त सुहैल है। मिलते हैं इंशाल्लाह अब दिल्ली में, तो जब तक के लिए दुआ करना सफ़र के लिए। तो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और फ्लाइट से भी बाहर आ गए हैं, और अब जस्ट जा रहे हैं हम इमिग्रेशन की तरफ। तो बने रहे मेरे साथ। ये दिल्ली एयरपोर्ट, और देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट है और हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अब लगेज लेंगे साथ में और इमिग्रेशन होगा यहाँ पर भी। इमिग्रेशन होने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे बाहर। बाहर दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारी गाड़ी इंतज़ार कर रही है, और फिर गाड़ी में बैठेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे जयपुर की तरफ। तो कैसा रहा सफ़र? बहुत बढ़िया रहा, तो चलते हैं अब पहले लगेज लेने के लिए। आ चुके हैं हम अभी इमिग्रेशन की लाइन में। इमिग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है, देखते फिर लगेज लेकर सीधा बाहर ही निकलना है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, और अब यहाँ से निकलते हैं हम बाहर। लगेज आने का वेट कर रहे हैं, और लगेज आएगा और फिर लगेज लेकर जाएंगे हम लोग बाहर। लगेज का वेट कर रहे हैं, लगेज यहाँ से निकल रहा है और एक बैग तो आ चुका है, और बाकी सबके भी थोड़े थोड़े एक एक दो दो बैग बाकी हैं, तो इधर वो लेकर फिर जाते हैं हम लोग बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं, लगेज वगैरह सब आ गया और अब निकल रहे हैं हम लोग बाहर। सीधा गाड़ी में बैठेंगे, खाना खाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे जयपुर की तरफ। ये लिफ्ट में है और सामान वगैरह ये रहा, और बाहर गाड़ी आ रही है और फिर जाएंगे हम लोग गाड़ी में। गाइस बैठ चुके हैं गाड़ी में पार्किंग में आकर, अब यहाँ से निकल रहे हैं, और एक गाड़ी दूसरी थी, हम लोग आधे लोग उधर बैठे आधे लोग इधर बैठे, अब जा रहे हैं घर की तरफ। तो दिखाता हूँ मैं आपको घर पर जाकर। सो गाइस आ चुके थे हम लोग, अभी थोड़ा भूख लगी थी तो ओल्ड रॉ होटल पर रुके, तो यहाँ पर मिलकर खाना खाया अच्छे से, और अब निकलेंगे और दिखाता हूँ मैं आपको। हम लोग CNG भरवाने के लिए, तो गाड़ी में CNG भर रहे हैं, और फिर उसके बाद 50 किलोमीटर की समथिंग बचा जयपुर, और फिर उसके बाद CNG भरवा कर फिर जाएंगे घर की तरफ। गाइस पहुँच चुके हैं हम लोग, और सब लोग वेट कर रहे थे हमारा, तो उतरते हैं अब। तो ये किसने करा है डेकोरेशन? मेरा खुशी में शगुफ्ता और शनवाज ने किया डेकोरेशन, और देख सकते हैं ये रूम, और एक एक रूम अभी ऊपर भी बाकी है, तो वो दिखाता हूँ आपको। और एक रूम ये है जो कि ये शनवाज ने सजाया है, ये रहा मैंने भी, अनायज ने भी। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं घर पे, अब कपड़े वगैरह चेंज किए, अब थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर इंशाल्लाह सुबह उठेंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, ब्लॉग मेरा ये अच्छा लगे, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अब कल हम जाएंगे दोस्तों से मिलने के लिए, सेफ से मिलेंगे और सबसे मिलेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग भी ज़रूर देखना मेरा। और तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, सब अपना ध्यान रखें।